हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक प्यारा सा डिज़ाइन जो कि रुमाल का है, मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्केचिंग कर लेते हैं पहले। तो हम पहले से ही दो कली बनाए हुए हैं, क्योंकि सारी कलियाँ एक ही जैसी है तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। एक्चुअली इसका भी हम वीडियो किए थे, बट वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए वो कट कर दिए। तो सेम है, आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत आसान भी है। और फाइनल लुक तो इसका इतना खूबसूरत आया है ना, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे वीडियो अपलोड करते रहें। सो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञान लोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। तो अब ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। इसे कार्बन की सहायता से कपड़े पे कॉपी कर लेंगे, और यदि आपको कॉपी करने नहीं आता है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान होता है ये तरीका। उसके बाद डिज़ाइन को अंदर करके और इस तरीके के फ्रेम से टाइट कर लेंगे। ऐसा करने से जो पेंट है वो डिज़ाइन से बाहर नहीं निकलता है, और जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बनता है। तो फ्रेम से टाइट करके ही पेंट करें, आपका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मोटा कपड़ा हो तो ऐसे भी फर्श वगैरह पर फैला कर आप कर सकते हैं, बट जितना फिनिशिंग इसमें आता है ना उतना फिनिशिंग उसमें नहीं आएगा अगर बिना कपड़े को टाइट किए करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्रीन पार्ट बनाएंगे। ग्रीन पार्ट के लिए हम लिए हैं सेप ग्रीन, जो कि अपने अधिकतर डिज़ाइन को बनाने में हम यूज करते हैं। मुझे बहुत ही पसंद है सेप ग्रीन, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना बिल्कुल नेचुरल होता है, एकदम लीफ के कलर का ही होता है ये, तो इसलिए हम ज़्यादा यूज करते हैं इसका, सेप ग्रीन का। सेप ग्रीन कलर से सारे लीफ को पहले फिल कर लेंगे इस तरीके से। तो लीफ को फिल करने के बाद रेड कलर से हल्का उसमें कट बनाएंगे, जैसे रोज देखे होंगे आप ऐसे कट रहता है उसमें। तो पेन ब्रश की सहायता से ये बनाइए तो अच्छा बनेगा। तो हल्का ऐसे कट करेंगे लीफ में किनारे पे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, और करती भी हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं जो कुछ भी हूँ आप लोग के वजह से हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं आपकी हेल्प करूँ। तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है ज्ञान लोक ब्यूटी ब्लॉग, तो आप वहाँ मुझे देख सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी उस चैनल पे जा सकते हैं।
अब ग्रीन पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका कली बनाते हैं। इसके लिए हम लिए हैं क्रिम्सन रेड 04 और पूरे डिजाइन को बनाने में बस एक ही ब्रश का यूज किए हैं, पेन ब्रश नंबर 4 का। तो पहले आउटलाइन करेंगे और उसके बाद बीच में पूरा कलर फिल कर देंगे। यदि आप रेड रोज नहीं बनाना चाहते हैं, यानी कि ये जो कली है वो रेड नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसके जगह पे आप येलो कलर यूज कर सकते हैं और शेड देने के लिए रेड कलर, तो फिर आपका ऑरेंज जैसा मतलब येलो जैसा कली बनेगा, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो आप जिस कलर का यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन रुमाल के लिए तो ये डिजाइन परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि रुमाल पे यदि ज़्यादा बड़ा डिजाइन बना देते हैं ना, तो वो पिलो कवर जैसा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जितना छोटा डिजाइन हो सके उतना रुमाल पे बनाना चाहिए, अच्छा दिखता है। इस तरीके से अच्छे से फिल करने के बाद ब्लैक कलर से नीचे के तरफ हल्का लाइन बनाएंगे, यानी बिल्कुल पतला लाइन बनाना है, ब्रश के बिल्कुल टिप से बनाना है, उसको दबाना नहीं है वरना चौड़ा लाइन बन जाएगा। बिल्कुल ब्रश के टिप से पतला लाइन बनाना है और इस तरीके से इसे मिक्स कर देना है। यदि आपको डर है कि कहीं आपका ब्लैक कलर ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप उसमें क्या कीजिए कि आपके पास यदि मीडियम है तो ब्लैक कलर में थोड़ा ज़्यादा मीडियम डाल दीजिए, यानी कलर को बिल्कुल पतला कर लीजिए। इससे यदि ब्रश में ज़्यादा भी आएगा ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, पतला रहेगा तो ज़्यादा इसमें नहीं दिखेगा, तो पतला कर लीजिए। और ये आपके पास मीडियम नहीं है तो उसके लिए भी एक उपाय है, आप रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके मिक्स कर दीजिए और ब्लैक कलर के जगह पे उसी को यूज कीजिए, तो भी आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। और इसी तरीके से बाकी की जो कली है उसको बना लेंगे।
और नीचे की तरफ जो रिबन डिजाइन है उसमें बीच में देखिए पतला हम लाइन बना दिए हैं और फिर उसको मिक्स कर दिए हैं। वो लाइन रेड कलर से बनाए हैं और मिक्स कर दिए हैं तो और भी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।